देख एग्जाम्पल नंबर टू की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर टू के अंदर देख क्या बोला हुआ है, एक्वा सॉफ्ट लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन अ हायर परचेज बेसिस फ्रॉम द आइडल टू कंपनी लिमिटेड। क्या बोला हुआ है, एक्वा सॉफ्ट लिमिटेड ने मशीन परचेज करा। चार अकाउंट हम लोग बनाएंगे, कौन से बनाते हैं, तो पहले तुम्हारे क्या करना है, सम नंबर वन डिटेल में देख लेना, उसके बाद सम नंबर टू की वीडियो तुम्हारे को देखनी है। भले डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दिएगी, तो पहले सम नंबर वन देख लो, उसके बाद ये वाली देखिए। देख तो सीधा ने सिंपल क्या परचेस करा, मशीन परचेस करा, तो मशीन अकाउंट बनेगा, साथ में डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। बर किसके पास से खरीदा, तो आइडल टूर कंपनी लिमिटेड के पास से खरीदा है, तो आइडल टू कंपनी लिमिटेड का अकाउंट बनेगा, साथ में इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, चार तेरा अकाउंट बनेगा। बर ने वो चारों अकाउंट के लिए हमारे को जरूरत किसकी पड़ेगी, मशीन ने डेप्रिसिएशन में तेरे को डेप्रिसिएशन की अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। बरन ने आइडल टूर ने इंटरेस्ट के अंदर डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट ने इंटरेस्ट, ये तीन चीजों की तेरे को जरूरत पड़ेगी। देख क्या दिया हुआ है, तो भाई केस प्राइस तेरे को 40 लाख रुपए दे दिया। बरोबर है, तो अपने क्या करेंगे, ये 40 लाख ने डेप्रिसिएशन क्या परसेंटेज उसका यूज करके पहले दो अकाउंट को क्लोज मार देता। किसका अकाउंट, मशीनरी का एंड डेप्रिसिएशन का। केस प्राइस कितनी है, 40 लाख है, और डेप्रिसिएशन कितना है, 10% तेरा डेप्रिसिएशन है। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है, डाउन पेमेंट 5 लाख पे करते हैं, चार एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो आपने क्या करेंगे, 4 साल तक का अकाउंट बनाएंगे। बरोबर है, क्या करने का, 40,000 रहेगा, 10% पर एनम के हिसाब से, तो सीधा ने सिंपल देख अकाउंट ओपन हम लोग कर देंगे। वर्किंग देख ले, 40 लाख रहेगा, 10% डिप्रेशन निकालूंगा, तो कितना आएगा, 40 लाख रुपये तक, 4 लाख रुपये तक डिप्रेशन आएगा। बरे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 लाख ने 60,000। पर देखिए डेप्रिसिएशन देख क्या बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन के बाजू में देख क्या लिखा हुआ है, 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। जो एग्जांपल नंबर वन था ना, वहाँ पे अपनों कुछ बोला नहीं था, तो अपने क्या करा, WDV की मेथड से करा। WDV की मेथड मतलब वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करा, जो वैल्यू आई उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने का। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब शुरुआत की जो वैल्यू हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने का, या स्ट्रेट लाइन बोला है तो शुरुआत की जो वैल्यू है उसके ऊपर तेरा डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो क्या करूंगा, 40 लाख है, 10% डेप्रिसिएशन 4 लाख, आंसर आएगा कितना, 36 लाख। फिर से 40 लाख के 10% करने का, तो हर साथ चार लाख रुपये तेरा डेप्रिसिएशन आता जाएगा। सीधा ने सिंपल करेंगे, मशीनरी अकाउंट बना देंगे, मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या करूंगा, तो डेबिट साइड पे जिसके पास से खरीदा उसका नाम लिख दूंगा, नहीं क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन लिखते जाऊंगा। देख लिख दिया डेप्रिसिएशन, फिर कैरी फॉरवर्ड करके ब्रोट डाउन, डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करके ब्रोट डाउन। बने डिटेल के अंदर क्वेश्चन नंबर वन में अपनों ने देखा है, उसी तरीके से डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दूंगा। बरोबर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट लिख, डेबिट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट पे लिख के प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट पे लिख के प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हर साल का डिप्रेशन सेम है, इसके लिए हर साल वैल्यू तेरी कैसी रखी हुई है, सेम रखी हुई है। अब तेरे को आगे चाहिए क्या, तो इंटरेस्ट की अमाउंट तेरे को चाहिए, इंस्टॉलमेंट चाहिए, डाउन पेमेंट चाहिए। बराबर है, तो तेरा क्या हो जाएगा, बाकी के दो जो है वो भी तेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या दिया है, 40,000 केस प्राइस है, डाउन पेमेंट तेरे को कितना दे दिया है, 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया है, ने 4 हफ्ते 10-10 लाख रुपए के तेरे को 4 हफ्ते तेरे को दे दिएगा। पर तो डाउन पेमेंट भी अपनों को मिल गया क्वेश्चन के अंदर से, इंस्टॉलमेंट भी मिल गया है। अब अपनों को चाहिए क्या, इंटरेस्ट चाहिए। तो देख यहाँ बाजू इंटरेस्ट के कुछ परसेंटेज दिए, नहीं भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर वन में तो इंटरेस्ट का परसेंटेज दे दिया, तब उन्होंने आसानी से क्या करा, कैलकुलेट कर डाला। तो जहाँ पे इंटरेस्ट का परसेंटेज तेरे को ना देवे तो क्या करने का, देखे फॉर्मेट बना लेने का, सीधा ने सिंपल भर इंस्टॉलमेंट कितने का, डाउन पेमेंट कितने का है, तो भाई डाउन पेमेंट है 50,000 का, नहीं इंस्टॉलमेंट कितने का है, तो भाई 10-10 हज़ार के 4-10 लाख के 4 इंस्टॉलमेंट है, लिख दिया। अच्छा ये सबूत सबका अगर हम लोग प्लस कर दे तो 5 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, टोटल हुआ कितना, 45 लाख है, टोटल है कितना, 45 लाख। अच्छा केस प्राइस कितनी है, केस प्राइस है 40 लाख,
इसका मतलब कि तेरा ब्याज कितना गया है? 5 लाख रुपए तेरा ब्याज गया है। बस देख अब काउंट कैसे करने का, नीचे टेबल में अपनों लिख दिया 5 लाख डाउन पेमेंट ने 10-10 लाख के क्या है 4 हफ्ते। नीचे से स्टार्ट करने का, लास्ट नंबर भी क्या है 10 लाख है ना, थर्ड नंबर के कॉलम में 10 लाख लिख जा, ये 10 लाख उसके ऊपर के 10 लाख हो गए 20 लाख, 20 लाख इसके ऊपर के 10 लाख हो गए 30 लाख, 30 लाख उसके ऊपर के 10 लाख हो गए 40 लाख, 40 लाख उसके ऊपर के 5 लाख टोटल हो गया 45 लाख। पर डाउन पेमेंट के बाजू में रेशियो ऑफ द अमाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट सब के अंदर डेज डेज मार देने का, क्योंकि डाउन पेमेंट के टाइम पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हफ्तों के पहले हम लोग इंटरेस्ट को क्या करते हैं प्लस करते हैं, सारे बड़ी ना भर। तो डाउन पेमेंट के सामने क्या कर देने का, डेज डेज तेरे को कर देने का। अब देख यहाँ बाजू तेरे को बाजू में वैल्यू कितनी है 45 लाख है, तो तूने तो डेज डेज कर दिया ना। अब नीचे की 4 वैल्यू बची, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख नहीं 10 लाख, सबके 0-0 हटा दो, कहते भाई रेशियो कितना हो जाएगा 4-3-2-1। अच्छा तेरा ब्याज है कितना 5 लाख, 5 लाख कहाँ से आया, तो ऊपर केस प्राइस है 40 लाख। बर तू तो 10-10 लाख के 4 हफ्ते पे कर रहा हो, तो 40 लाख वो ना 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 45 लाख रुपए तूने पे कर जबकि केस प्राइस है कितनी 40 लाख, इसका मतलब 5 लाख रुपए तेरा कहीं में जाता है ब्याज में गए ना। तो देख यहाँ बजे हम लोग क्या करेंगे, चारों 4 हफ्तों के लिए 5-5 लाख रुपए लिख देंगे बरे, उसको रेशियो में बांटेंगे। ये देखो रेशियो में ना 4-3-2-1, 4 ने 3 7, 7 ने 2 9, 9 ने 1 10, तो क्या करूँगा 4 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10, 2 डिवाइड बाय 10 एंड 1 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो मेरे को क्या हो जाएगा इंटरेस्ट की वैल्यू भी मिल गई। मेरे को दूसरे 2 कॉलम के लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए, इंस्टॉलमेंट चाहिए, डाउन पेमेंट चाहिए। सीधा ने सिंपल जिसके वजह से खरीदा है उसके अकाउंट में चले जाऊँगा, उसके अकाउंट में जाके क्या करूंगा, तो भाई क्रेडिट साइड पे केस प्राइस लिख दूंगा, उसका पर इंटरेस्ट को प्लस कर दूंगा, सामने जाके डाउन पेमेंट माइनस और पहले नंबर का हफ्ता माइनस, इसके बाद जो वैल्यू आएगी कैरी फॉरवर्ड करके ब्रोड डाउन ले लूंगा, सामने क्या करूंगा हफ्ता सामने से माइनस करूंगा, यहाँ बाजू इंटरेस्ट को प्लस करते जाऊंगा। पर हफ्ता माइनस इंटरेस्ट प्लस, जैसा हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 1 में करा ऐसा ही करना आएगा बरोरे। ने साथ में क्या करूँगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बना दूंगा और इंटरेस्ट के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के ऊपर क्या करूँगा, जिसके पास से खरीदा उसका नाम 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस बर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 में करा ऐसा ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, खाली वर्किंग अलग था।